कोई उल्टा सीधा कमेंट नहीं करेंगे, कोई अपनी राय नहीं व्यक्त करेंगे, खासकर जो नए बच्चे हैं, ठीक है, इस चीज पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब दृढ़ता से रहिएगा, कोई समस्या नहीं है, बस अपने प्रभारी अधिकारी की बात जो है उसको, ठीक है, समझ गए? ठीक है। तो के कारण वजह से अपने आते हैं विरोध को दर्शाते, कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे चौराहे पर रखा गया है कि यहाँ शांति व्यवस्था रहे, पूरी तरह हमें उलझना नहीं है, हम सबको लेके चलना है, बचा के करना है, किसी तरह का विवाद हमें नहीं करना। आवाज आ रही है पीछे तक, आवाज आ रही है, और सतर्क रहना है, जब तक यहाँ पे रहेंगे इसी तरह बहुत रुक कर रहेंगे, सतर्क रहना है। देखिए, NRC और कैब को लेकर के कल से प्रयागराज शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है, और अभी तक शहर में किसी भी प्रकार की कोई असामान्य बात नहीं दिखाई दे रही, सभी स्थिति नॉर्मल है। सभी ऑफिसर्स और सभी थाना प्रभारी, सभी हमारे कांस्टेबल्स, ये सारे ड्यूटियां पे लगे हुए हैं और लगातार भ्रमण पे हैं। फिलहाल जो भी संवेदनशील जगह हो सकती हैं वो हम लोगों के निगाह में हैं और वहाँ हम निगाह रखे हुए हैं, और अभी तक स्थिति सामान्य है। आम नागरिक कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं आम नागरिकों से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूं कि वो शांति बनाए रखें और किसी भी प्रकार से किसी के बहकावे में आकर के कोई ऐसा अवैधानिक कार्य ना करें जिसके कारण बाद में कोई समस्या